पवन अरु का एक बहुत ही क्यूट वीडियो सामने आया जिसने फैंस को खुश कर दिया। ठंड के मौसम में सुबह सुबह दिन बना दिया। ठंड में पवन अरु एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जो वीडियो सामने आई उसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद दानिश अपना ब्लॉग शूट करवा रहे हैं और इस ब्लॉग में वो दिखा रहे हैं कि कई सारे लोग पवन अरु को घेरे बैठे हैं और दानिश इनके पीछे बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सब सजना तेरे बिना गाना गा रहे हैं। पवन अरु तो इस गाने में इस कदर मगन हो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता है कि इनका हाथ एक दूसरे के हाथ में है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कपल बैठा है। हालांकि जब पवन को लगता है कि इन्हें सब देख रहे हैं तो पवन वहां से उठ जाते हैं और पीछे की तरफ बैठने लगते हैं। इस मौके पर पवन अरु और दानिश गरम कपड़े पहने दिखाई दिए। इनके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितनी सर्दी पड़ रही है। ठंड से इनका इतना बुरा हाल है कि ये सब छोटे से कमरे में बैठकर चाय, नाश्ता और गाने का आनंद उठा रहे हैं। मोहम्मद दानिश के पास पवन बैठ जाते हैं और वहीं से खूब मौज मस्ती करते हैं। वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और एक बार फिर लोग अरु को समझा रहे हैं कि ये दोनों एक साथ म्यूजिक वीडियो में काम क्यों नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि लोगों को पवन के साथ चित्रा पसंद नहीं आ रही है। अगर लोग पवन को देखना चाहते हैं तो सिर्फ अरुणिता के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पवन को किसके साथ देखना पसंद करेंगे? इस वक्त पवन चित्रा अपने फुर्सत गाने को लेकर काफी सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ अरुणिता अपनी पुरानी वीडियो शेयर कर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं। जी हाँ, अरुणिता के फैन क्लब से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अरुणिता की क्यूटनेस ने तो भाई सबका दिल जीत लिया और लोगों की नजरें तो अरु के मुंह पर ही टिकी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, अरुणिता जब बोलने पर आती हैं तो उनकी बैटरी कभी डाउन ही नहीं होती है। अरुणिता को शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब वो अकेले होती हैं तो भी अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। अब इतनी ठंड में भी बोलने में लगी हुई हैं। हालांकि ठंड की वजह से अरुणिता की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है और वो पूरी तरह कांपने लगती है, लेकिन अरुणिता मजाल जो चुप हो जाए। अरु की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो बहुत ज्यादा बोल रही हैं और ठंड से कांप रही हैं। पवन उन्हें घर चलने को कहते हैं लेकिन अरुणिता इतनी ठंड में भी अपनी मस्त मौला होके घूम रही हैं। हम हंसी मजाक कर रही हैं। ये वीडियो कनाडा का और वो कुछ देर के लिए रिपोर्टर भी बन जाती है। जी हाँ, अरुणिता से जब वहाँ के बारे में पूछा जाता है तो वो पीछे के झरने के बारे में पूरी डिटेल में बता देती हैं। ठंड से लेकर वहाँ के लोगों के बारे में हर एक बात बताने में लग जाती हैं। वो बताते थकती ही नहीं है और इस वक्त अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन तो भाई देखने लायक हैं। फुल एक्टिंग में मगन है। अरुणिता यहाँ पर नाचने भी लगती हैं। ठंड एक तरफ और अरुणिता की मस्ती एक तरफ पवन को परेशान भी करती हैं, लेकिन पवन अपने कैमरे में अरुणिता की ये सब नॉटी हरकतें कैद कर लेते हैं। पर आपको अरुणिता कैसी लगती हैं? आप भी अब कमेंट बॉक्स में बता ही दें कि अरुणिता का ये रियल नेचर है या फिर फेक नेचर है। पवन अरु की एक क्यूट वीडियो वायरल हो रही है जहां एक तरफ पवन चित्रा का फुर्सत गाना सुर्खियों में बना है तो कुछ लोगों ने गाने से ध्यान हटाकर पवन अरु पर उस वक्त नजरें टिका ली जब अरुणिता पवन से मिलने पहुंची। जैसा कि आप खुद जानते कि राज सुरानी ने फुर्सत गाने की लॉन्चिंग के वक्त फैसला किया था कि अरुणिता इस पार्टी में शामिल नहीं होंगी। राज सुरानी चाहते थे कि इस दिन मीडिया मौजूद होगी और खामखा अरुणिता को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, परेशान करेंगे लोग और वो गाने पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, गाने को लॉस हो सकता है। इसलिए अरुणिता को साफ साफ शब्दों में आने के लिए मना किया गया था। लेकिन आप ये भी जान दें कि बिना अरुणिता के पवन को कहां मजा आने वाला है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है और कल ये साबित भी हो गया। ये वीडियो कल की बताई जा रही है जब पवन लॉन्चिंग पार्टी में शामिल नहीं हुए और वो तुरंत ही हॉल से बाहर आ गए थे। उन्हें वहाँ अरुणिता मिली। अरुणिता स्टूडियो के अंदर नहीं जा पाई लेकिन पवन से बाहर मिलने पहुंची थी, उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मीडिया ने अरु को घेर लिया और मजेदार सवाल भी किए। इस बार मीडिया ने अरुणिता को परेशान नहीं किया और अरुणिता ने भी मजेदार जवाब दिए। मीडिया ने जब पवन और चित्रा को लेकर अरुणिता से सवाल पूछा तो बिंदास होकर जवाब देती नजर आई। ना जाने पवन से क्या सवाल पूछा गया कि वो वहाँ से चले गए और अरुणिता का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। अरुणिता को देखकर पवन के चेहरे की स्माइल भी वापस आ जाती है। अरुणिता पवन को देखकर हंसे ही जा रही थी। उन्हें इतना छेड़ती हैं कि पवन वहां से हट जाते हैं। पहले इन दोनों की इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
पवन चित्रा का गाना फुर्सत रिलीज हो चुका है और गाने के रिलीज से कुछ घंटे पहले पवन लाइव आए और उन्होंने फैंस को जानकारी देते हुए सभी का सपोर्ट मांगा, उनके इस म्यूजिक वीडियो को देखने को कहा। पवन कल रात ही कनाडा से वापस मुंबई आए, उनके साथ शायली, दानिश और अरुणिता भी थे। अरुणिता उनके साथ फ्लाइट में पास वाली सीट पर बैठी दिखाई दी थी, उनके साथ बातें कर रही थी और बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सुबह सुबह पवन का मूड ऑफ हो गया और वो लॉन्चिंग पार्टी में शामिल भी नहीं हो पाए। जी हाँ, पवन वैसे भी अरुणिता के बिना अकेलापन फील कर रहे थे और जब पार्टी में पवन ने अरु को नहीं देखा तो वो भी उदास हो गए। पवन चाहते थे कि सबसे पहले अरुणिता उनके इस गाने को देखें और शेयर करें, लेकिन अरुणिता ने उनके इस म्यूजिक वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि इनकी टीम ने अरुणिता को इस पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था। जी हाँ, अरु को इनवाइट भी नहीं किया गया था। ऐसे में गाना रिलीज होते ही पवन हॉल से बाहर आ गए और उनके मुँह पर उदासी भी थी। उन्होंने वैसी पार्टी नहीं की जो उन्होंने मंजूर दिल की शूटिंग के वक्त अरुणिता के साथ की थी। वो पहले गाने की शूटिंग के वक्त अरुणिता के साथ बहुत खुश थे, लेकिन इस बार इनके दूसरे गाने को लेकर कोई क्रेज नहीं देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इनके फैंस कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऐसे में इनके इस गाने का क्या हाल होने वाला है वो तो इनके फैंस ही जाने और ये जाने, लेकिन जिस तरह से फीकापन दिख रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फैंस को भी अरुणिता के बिना ये गाना कुछ पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि गाने में कोई कमी नहीं है, पवन चित्रा का ये गाना रोमांटिक सीन से लेकर बचकानी बातें, क्यूटनेस, इमोशन से भरा हुआ है। गाने में पवन चित्रा को आई लव यू बोलते हुए प्रपोज करते हैं। अब अरुणिता भले ही इस गाने में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन वो पवन से दूर नहीं हुई है, वो भी पवन को बधाई के साथ उनके इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? पवन चित्रा के फुर्सत गाने के कई छोटे छोटे रोमांटिक क्लिक सामने आ चुके हैं जिसने फैंस को दीवाना बना दिया। हाँ, दो दिन बाद तो आप पूरा गाना देखेंगे और सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले इनके जो वीडियो निकल कर सामने आए हैं उसने फैंस को हिला कर रख दिया। एक बार फिर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लिया। ऑक्टोपस स्टूडियो से इनके कुछ वीडियो सामने आए हैं। ये फोटो इनके उस वक्त कैप्चर किए गए जब ये ऑक्टोपस स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले तो पवन अरोरा सुरानी के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड करवाते नजर आ रहे हैं। अंदर इस गाने का म्यूजिक प्ले हो रहा है और बाहर से अरुणिता, पवन और पूरी टीम इसे ध्यान से सुन रही है। गाना रिकॉर्ड कराने के बाद अरुणिता का तो काम खत्म हो जाता है और वो इस गाने की लॉन्चिंग डे पर भी नजर नहीं आएंगी। पवन चित्रा और बाकी टीम के लोग तो इस लॉन्चिंग इवेंट में जाएंगे, लेकिन अरुणिता नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों है ये तो वही जाने, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लोग अरुणिता से तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि उन्होंने इस गाने में काम क्यों नहीं किया। तो अरुणिता इन सब से बचने के लिए इस दिन पर नजर नहीं आएंगी। बात कर